बच्चों, आज हम मेधा से पाठ 9 नीम की ईंट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ का सार बता देती हूँ। यह पाठ थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, आप सभी ने कभी ना कभी किसी इमारत, घर या भवन को बनते अवश्य देखा होगा। जब किसी भवन को बनाया जाता है तो सर्वप्रथम उसकी बुनियाद या फिर नींव को खोदा जाता है और उसमें मजबूत ईंटों से नींव बनाई जाती है, ताकि उसके ऊपर बनने वाला जो भी भवन है उसका भार वहां की मिट्टी पर उसका अधिक बोझ ना पड़ सके। इसलिए नींव को बनाया जाता है, और नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही अच्छी तरह से वो उस भवन या इमारत का भार सह सकेगी। इस पाठ में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने नींव की ईंट का उदाहरण देकर हमें ये बताने का प्रयास किया है कि सभी सुंदर भवन और कंगूरों को देखकर उसकी प्रशंसा तो सभी करते हैं, किंतु उसकी नींव की ओर, यानी किसी भी इमारत को, सुंदर इमारत को देख सब उसकी प्रशंसा अवश्य करते हैं, किंतु उस इमारत की नींव की ओर जिस पर वह भवन टिका हुआ है या इमारत टिकी हुई है, उस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। दरअसल दुनिया जो है वो चमक दमक देखती है, उसके पीछे और उसके नीचे का ठोस सत्य जो है उसे वह नहीं देखती, क्योंकि ये कठोर और भद्दा होता है और सभी उस ओर से अपना मुख मोड़ लेते हैं, यानी भद्देपन को नहीं देखना पसंद करते। इस पाठ में नींव की ईंटों को लेखक ने स्वतंत्रता सेनानियों से भी तुलना की है, क्योंकि देश को आजाद कराने वाले बलिदानियों में कुछ को तो श्रेय मिल गया और कुछ को नहीं मिल पाया। वे ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि जितने भी थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में, देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया, उन सभी को श्रेय मिलना चाहिए। यहाँ नीम की ईंट वे लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना बलिदान दिया एक आधारशिला की तरह, किंतु जिन लोगों के नाम प्रचलित हो गए वे तो कंगूरे बन गए, और जिनके नाम प्रचलित नहीं हुए वे आज भी अज्ञात हैं, उनका नाम अनाम है। इसलिए आइए अब इस पाठ को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस उदाहरणों के माध्यम से लेखक हमें ये सब बताना चाहते हैं। नीम की ईंट, इससे पहले ये पाठ शुरू करें लेखक के विषय में पढ़ लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1902 में हुआ था। बचपन से ही माता पिता के देहावसान के बाद, यानी उनकी मृत्यु के बाद, उनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया। बहुत छोटी अवस्था से ही ये पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य करने लगे थे। बहुत छोटी अवस्था में ही इन्होंने पत्र और पत्रिकाएं, मैगजीन्स जो होती थी, उसमें अपने लेख लिखने शुरू कर दिए थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की, साहित्य कहते हैं लिटरेचर को, लगभग सभी विधाओं में रचनाएं की हैं, यानी हिंदी साहित्य की, हिंदी में सभी विधाओं में, यानी सभी निबंध लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, अन्य रचनाएं जो हिंदी की हैं उन सभी में इन्होंने अपना योगदान दिया है। बेनीपुरी जी की भाषा शैली ओजपूर्ण तथा प्रभामयी है, यानी प्रभावित करती है पढ़ने वाले पाठकों को। ये एक श्रेष्ठ साहित्यकार, कुशल संपादक, यानी एक अच्छे साहित्यकार तो थे ही, रचनाकार तो थे ही, साथ ही अच्छा संपादन किया है उन्होंने अपने जो भी रचनाएं लिखी हैं, तथा तपस्वी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। माटी की मूर्तें, मील के पत्थर, गेहूं बनाम गुलाब, लाल तारा, चिता के फूल आदि इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। माँ सरस्वती और भारत माता की सेवा करते हुए
7 सितंबर सन 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया था। आज शुरू करते हैं। नीम की ईंट। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने इस पाठ में नीम की ईंट का उदाहरण देकर बच्चों को निस्वार्थ त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी है। आज देश और समाज के लिए ऐसे युवा वर्ग की आवश्यकता है जो तारीफ के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए कर्म करें। जिस प्रकार से नींव की ईंट होती है जो कि नींव में जाकर एक तरह से दब जाती है नीचे इमारत के नीचे और वो एक प्रकार से अपना बलिदान देती है, उसी प्रकार से लेखक जो हैं वो युवा वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि वे उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो तारीफ पाने के लिए नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझकर वे अपने कर्तव्य को करें। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ सी इमारत है, सुघड़ कहते हैं सुडोल मजबूत सुंदर इमारत को, तो वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ सी इमारत है वह किस पर टिकी है, प्रश्न कर रहे हैं लेखक। इसके कंगूरों को, कंगूरे कहते हैं चोटी को, शिखर को, यानी ऊपरी भाग, किसी भी इमारत का ऊपरी भाग या किसी भवन का ऊपरी भाग, कंगूरों को आप देखा करते हैं, क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? यानी कोई सुंदर इमारत बनी हुई है या कोई सुंदर भवन बना हुआ है और जब हम उसके सामने से निकलते हैं तो हमारा ध्यान एक-एक आकर्षित होता है उस सुंदर भवन या इमारत की ओर और उसे देख हम उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या हमने कभी उस सुंदर इमारत की नींव की ओर ध्यान दिया है? दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, यानी दुनिया जो है भारी चमक दमक देखती है और भारी आवरण कहते पर्दे को, एक प्रकार से भारी आवरण जो होता है, भारीपन जो होता है उसको देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है यानी जो पर्दा है उसके पीछे क्या है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? यानी जो नीचे क्या है, जैसे इमारत का उदाहरण दिया है लेखक ने, तो सुंदर इमारत के नीचे का जो सत्य है, जिस इमारत जो वह इमारत जिस नींव पर टिकी है, जो सत्य है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, यानी सत्य जो है वह हमेशा शिवम होता है। शिवम का क्या अर्थ होता है? कल्याणकारी। यानी सत्य जो है वह हमेशा कल्याणकारी होता है किंतु वह हमेशा सुंदर भी हो, और इसीलिए सत्य जो है वह जो कल्याणकारी है वह हमेशा सुंदर भी होना चाहिए और होता है। यह आवश्यक नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये आवश्यक नहीं। वैसे तो सत्य जो है वो कल्याणकारी है और सुंदर भी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आवश्यक नहीं कि जो वास्तविकता है वह सुंदर है या सुंदर हो। सत्य कठोर होता है और कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, क्योंकि सत्य जो है वो कठोर होता है। हर किसी जो हर कोई जो है उस सत्य को बड़े आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता है, कठोरता होती है सत्य में, और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं। यानी भद्दापन क्या होता है? जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते। हम कठोरता से भागते हैं और भद्देपन से मुंह मोड़ लेते हैं, यानी सत्य जो कि कठोर है उससे हम भागते हैं और जो भद्दापन है उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उस ओर देखना पसंद नहीं करते। इसलिए सत्य से भी हम भागते हैं, इसलिए सत्य को भी हम आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते। इसलिए हम किसी सुंदर इमारत को देखकर उसके गीत नहीं गाते बल्कि हम किसके गीत गाते? नींव के, क्योंकि वह सुंदर इमारत जो है वो नींव की ईंटों पर टिका हुआ है। इसलिए हम अगर हम यथार्थ को देखें, अगर हम सच्चाई को देखें और सच्चाई को देखकर हम क्या करते, इमारत के गुणगान नहीं करते बल्कि हम उस इमारत की नींव के गीत गाते। वह ईंट धन्य है जो कट छंट कर कंगूरे पर चढ़ती है
और बरबस, बरबस यानी अचानक, लोक लोचनों, लोक लोचन कहते हैं लोगों की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी लेखक कहते हैं कि वह ईंट जो है बहुत ही धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है, यानी जो इमारत के ऊंचा जो क्षेत्र है, ऊपरी हिस्सा जो है उस पर चढ़ती है, यानी उस पर लगती है और उस ओर लोगों का, जो भी लोग उसको देखते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर प्रभावित करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के सात हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। यानी कंगूरे में जो इस्तेमाल हुई ईंट वह तो धन्य है ही, क्योंकि वह क्या कर रही है, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा धन्य तो वह ईंट है जो कि जमीन के सात हाथ नीचे गड़ गई है और उस इमारत, सुंदर इमारत की पहली ईंट बनी और उसको मजबूती, उस कंगूरा जिस पे बना हुआ है, जिस भवन पर, जिस इमारत पर, उसको क्या कर रही है वह ईंट, मजबूती दे रही है। क्यों? इस पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन, मजबूती और पुख्तेपन, पुख्तापन कहते हैं पक्कापन, उसका भी अर्थ मजबूती ही होता है। क्यों? इस पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। अस्ति नास्ति का अर्थ होता है होना या ना होना। क्योंकि जो पहली ईंट नींव के रूप में उस इमारत को मजबूती दे रही है, उस मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत, जो कि इमारत एक सुंदर इमारत बनी है, उस नींव पर और उस की जो मजबूती, इमारत की जो मजबूती है जो कि उस नींव के ही आधार पर बनी है, तो अगर हम देखें तो इस पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। यानी जो सुंदर इमारत बनी है उसका होना या ना होना ये किस पर निर्भर करती है, उस पहली ईंट पर जो कि उस सुंदर इमारत की नींव में लगी हुई है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। इस बात को हम कैसे पुख्ता कर सकते हैं, इस बात को हम कैसे साबित कर सकते हैं कि वह ईंट जो कि उस सुंदर इमारत की नींव में लगी हुई है, यदि हम उस नींव में लगी ईंट को हिला दें तो क्या होगा, वह सुंदर भवन, वह सुंदर इमारत, वह सुंदर कंगूरा जो है वह पल भर में ही जमीन पर आकर गिर जाएगा। क्योंकि नींव हिलने से पूरी की पूरी इमारत, पूरा का पूरा भवन जो है वो नीचे आ गिरेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि नींव यदि मजबूत है तो इमारत मजबूत है और इमारत का जो भार है वो नींव पर ही और नींव की ईंटों पर ही निर्भर करता है। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। आगे लेखक कहते हैं कि कंगूरे जो है, कंगूरे के तो गीत गाते हैं हम, यानी कंगूरे के तो सभी प्रशंसा करते हैं, आइए हम उस नींव की भी गीत गाएं, उस नींव की भी प्रशंसा करें जो कि अपने ऊपर उस कंगूरे को टिकाए हुए है। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले, क्योंकि वह ईंट जो है नींव में जाकर किस लिए गड़ गई है, ताकि उस सुंदर इमारत, उस पर सुंदर इमारत बन सके और उसको कंगूरा मिल सके। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, क्योंकि नींव में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है, तो वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी और कर देती। यानी वह ईंट जो कि नींव में जाकर लगी है, यदि वही ईंट कंगूरे में प्रयोग की होती तो कंगूरे की शोभा जो है, उसकी सुंदरता जो है, और 100 गुनी बढ़ गई होती। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी, पायदारी का मतलब होता है मजबूती, उसकी नींव पर मुनहसिर होती है,
मुनस्सिर यानी निर्भर होती है। किंतु ईंट ने देखा इमारत की पायदारी, इमारत की जो मजबूती है वो नींव पर ही निर्भर होती है, इसलिए उसने अपने आप को नींव में अर्पित कर दिया। यानी उस नींव की ईंट ने जब देखा कि पूरी जो इमारत होती है उसकी मजबूती नींव पर ही निर्भर होती है, इसलिए उसने अपने आप को किसके लिए अर्पित कर दिया, नींव बनने में, उस इमारत की नींव बनने में उस ईंट ने अपने आप को अर्पित कर दिया। वह ईंट जिसने अपने को सात हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर जा सके, क्योंकि जितनी मजबूती से नींव बनेगी, जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही उसके ऊपर कई गुना ऊपर इमारत खड़ी हो सकेगी। तो वह ईंट जो थी वो 7 हाथ नीचे जमीन के अंदर किस लिए गड़ गई, ताकि जमीन से 100 हाथ ऊपर उस पर इमारत बन सके, यानी ऊंची इमारत बन सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप, अंधकूप कहते हैं अंधेरा कुआं, इसलिए कबूल किया क्योंकि ईंट जब नींव में जाती है तो उसके बाद वो एक प्रकार से अंधेरे कुएं में चली जाती है, क्योंकि फिर वह मिट्टी में दब जाती है। उसने ऐसा इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे और सुनहरी रोशनी मिलती रहे। यहाँ पर जो है नीम की ईंट का बलिदान दिखाया गया है, बलिदान बताया गया है लेखक के माध्यम से कि वह नीम की ईंट जो है वो अंधेरे कुएं में किस लिए गड़ गई, ताकि उसके साथियों, उसकी जो और साथी ईंट हैं उनको स्वच्छ हवा और सुनहरी सूरज की रोशनी मिल सके। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया, विलीन करना यानी समाप्त कर देना, कि संसार एक सुंदर दृष्टि देखे। वह जो ईंट नींव में दब गई उसने अपना अस्तित्व इसलिए समाप्त कर दिया, क्यों? क्योंकि संसार जो है एक सुंदर सृष्टि देख सके। सुंदर सृष्टि क्या है? एक सुंदर इमारत के रूप में देख सके। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, और सुंदरता या सुंदर सृष्टि जो होती है वह हमेशा कोई ना कोई बलिदान अवश्य चाहती है, चाहे वह बलिदान ईंट का हो या फिर किसी व्यक्ति का हो। यानी कोई भी सुंदर चीज जो है उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ बलिदान अवश्य किया जाता है। सुंदर यहाँ पर जैसे है, सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है, नींव में जाना है यानी नींव में गड़ जाना है। एक सुंदर इमारत का निर्माण किया जा सके, एक सुंदर इमारत बन सके, उसके लिए जो पक्की लाल ईंटें होती हैं उन्हें नींव में जाना ही पड़ता है, क्योंकि उनके नींव में जाने पर ही उनके ऊपर एक सुंदर भवन या सुंदर इमारत का निर्माण हो पाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो सुंदर इमारत भी नहीं बन पाएगी। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौक मून शहादत कहते हैं बलिदान को, का लाल सहरा पहनना है। इसी प्रकार से यहाँ कंपेयर किया गया है, यहाँ तुलना की गई है कि जिस प्रकार से ईंट, लाल लाल पक्की ईंटें जो होती हैं, जो कि पकी लाल ईंटें यानी खूब तपकर मजबूत ईंट बनती हैं, उनको नींव में जाना पड़ता है ताकि उस पर सुंदर इमारत बन सके। उसी प्रकार से अगर समाज सुंदर बनना है, एक सक्षम समाज बनाना है, तो उसके लिए तपे तपाए लोग यानी अनुभवी लोग, ज्ञानी लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सहरा पहनना है, उन्हें भी अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि वे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों को एक सुंदर भविष्य दे सकें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी का पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।